भारतीय क्रिकेट में होगा ऐतिहासिक बदलाव, डे नाइट टेस्ट मैच खेल सकती है टीम इंडिया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पहली बार हो सकता है बड़ा बदलाव। नवंबर में होने वाली भारत बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में पहली बार गुलाबी गेंद से डे नाइट टेस्ट का आयोजन हो सकता है। एक प्रमुख समाचार एजेंसी के मुताबिक इस बारे में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली और कप्तान विराट कोहली के बीच गुरुवार को चर्चा हो सकती है। बांग्लादेश की टीम को नवंबर में भारत दौरे पर आना है, जहां उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमें पहला टेस्ट 14 नवंबर से इंदौर में और दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से कोलकाता में खेलेंगी। हालांकि डे नाइट टेस्ट को लेकर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन 50% उम्मीद है कि दोनों में से कोई एक टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला जा सकता है। बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से पहले जब गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में डे नाइट टेस्ट की शुरुआत की थी। इसे देखते हुए भी यह उम्मीद जताई जा रही है कि गांगुली के अध्यक्ष बनने के बाद इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि काफी समय से बीसीसीआई से डे नाइट टेस्ट कराने की मांग आईसीसी करता रहा, लेकिन बीसीसीआई इसके पक्ष में नहीं रही है।